अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सैयद नवीन अली इंग्लिश टीचर फहम स्कूल्स ऑफ एडवांस लर्निंग के वीडियो चैनल पे एक बार फिर आपके सामने स्टूडेंट्स। एज यू नो, आप लोगों की वीडियो क्लासेस का सिलसिला जारी और सारी है, और उसी सिलसिले की आज जो क्लास है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स की है। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्लास 3 की इंग्लिश बुक निकाल लीजिए, और उसके बाद आज हम क्लास 3 का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि दरअसल एक डायलॉग है। ठीक है, डायलॉग क्या होता है? डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होने वाली एक कन्वर्सेशन। अगर उसी कन्वर्सेशन को लिख दिया जाए विद देयर नेम्स, यानी कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स, उनकी स्पीचेस के साथ अगर उन्हें किसी एक पेज पे नरेट कर दिया जाए, एक स्क्रिप्ट की सूरत उसे दे दी जाए, तो वो बन जाता है एक डायलॉग। अब लेट्स सी, इस डायलॉग के अंदर जो आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे है, यूनिट नंबर 1 पे है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स की क्या क्या स्पीचेस हैं, ये आज हम पढ़ने लगे हैं। पेज 6, सबसे पहली हेडिंग है डायलॉग, उसके नीचे एक सब हेडिंग है स्पीकिंग, और उसके नीचे एक्चुअल हेडिंग जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं रीडिंग। रीडिंग में जो इस चैप्टर का टाइटल है, इस डायलॉग का टाइटल है, वो लिखा हुआ है स्पेशल विजिटर। स्पेशल का मतलब होता है बहुत खास, और विजिटर मीन्स गेस्ट, मेहमान। स्पेशल विजिटर एक खास मेहमान किसी जगह पे आया, और उसी मेहमान की बातों का जिक्र इसमें है। लेट्स सी वो बातें क्या हैं और किस तरह से की जा रही है और कौन कौन उन बातों में शामिल है। सबसे पहला डायलॉग मिस्टर बशीर का है। मिस्टर बशीर कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको सुबह खैर। प्लीज वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट जवेदिया अख्तर। हमारी स्पेशल गेस्ट जवेदिया अख्तर को वेलकम कहिए। शी इज गोइंग टू टॉक टू यू दिस मॉर्निंग, आज ये आप सब लोगों से बात करेगी। बताता चलो, मिस्टर बशीर एक टीचर हैं, और ये अपनी क्लास में स्टूडेंट्स की मुलाकात एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम जवेदिया अख्तर है उससे करा रहे हैं। ठीक है, अब अगला डायलॉग है जवेदिया का। जवेदिया कहती है, थैंक यू मिस्टर बशीर, मिस्टर बशीर आपका शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर बशीर, आई एम प्लीज टू बी हियर, आई एम प्लीज टू बी हियर, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। पहले शुक्रिया अदा किया जवेदिया ने मिस्टर बशीर का, और फिर कहा कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है। फिर मिस्टर बशीर कहते हैं अपने क्लास के बच्चों से मुखातिब होकर, 10 years ago, 10 साल पहले जवेदिया यूज्ड टू बी इन माय क्लास, जवेदिया मेरी क्लास में ही हुआ करती थी। 10 years ago, 10 साल पहले जवेदिया यूज्ड टू बी इन माय क्लास, जवेदिया मेरी क्लास में हुआ करती थी। Now she is a famous sports woman. लेकिन आज वो एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है। स्पोर्ट्स वुमन, मशहूर खातून खिलाड़ी। अगर ये किसी मैन के लिए इस्तेमाल होता तो लफ्ज होता स्पोर्ट्स मैन। फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है इसलिए लिखा हुआ है स्पोर्ट्स वुमन। तो मिस्टर बशीर ने क्या बताया कि 10 साल पहले वो भी जवेदिया अख्तर भी इनकी क्लास में हुआ करती थी। नाउ शी इज अ फेमस स्पोर्ट्स वुमन, आज के दौर में वो एक मशहूर खातून खिलाड़ी है। फेमस का मतलब होता है मशहूर। जवेदिया कहती है फौरन, आई एम नॉट फेमस येट मिस्टर बशीर, मिस्टर बशीर मैं अभी तो मशहूर नहीं हूँ। बशीर जवाब में कहते हैं, यू सून विल बी, तो
तो आप बहुत जल्द फेमस हो जाओगी। यू सून विल बी, आप बहुत जल्द ही फेमस हो जाओगी। प्लीज टेल एवरीवन व्हाट यू डू, यहां बैठे हर शख्स को ये बताओ कि आजकल आप क्या करती हो। व्हाट यू डू, क्या करती हो। टेल, प्लीज टेल एवरीवन, हर शख्स को ये बताओ व्हाट यू डू कि आजकल आप क्या करती हो। जिवेरिया जवाब देती है, आई एम अ साइकिलिस्ट, मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। साइकिलिस्ट किसे कहते हैं, जो साइकिल चलाता है, बाजीगरी करने के लिए, सर्कस दिखाने के लिए, रेस लगाने के लिए, ठीक है, और मुख्तलिफ एक्रोबैट्स दिखाने के लिए, जो शख्स साइकिल चलाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड साइकिलिस्ट, उसे साइकिलिस्ट कहते हैं। तो ये भी साइकिलिस्ट है, और ये किस किस्म की साइकिलिस्ट है, लेट्स रीड, हम पढ़ के देखते हैं। आई एम अ साइकिलिस्ट, मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। आई कॉम्पीट इन साइकिल रेसेस, मैं हिस्सा लेती हूँ साइकिल रेसेस के मुकाबलों में। कॉम्पीट का मतलब होता है मुकाबले में हिस्सा लेना, मुकाबला करना। साइकिल रेसेस, साइकिल की रेसों में। आई कॉम्पीट इन साइकिल रेसेस, मैं साइकिल की रेसों में मुकाबले करती हूँ। बशीर साहब फौरन कहते हैं, मिस्टर बशीर का डायलॉग है जो मैं पढ़ रहा हूँ। Would anyone like to ask Javeria a question? बच्चों की तरफ मुखातिब होकर पूछा मिस्टर बशीर ने कि आप जवेरिया से कोई सवाल करना चाहते हैं। सलमान उन बच्चों में से एक फौरन खड़ा हुआ और कहने लगा, Yes, I would. जी, मैं करूँगा। Which was your best phrase? तो सलमान ने जो सवाल किया जवेरिया से, वो ये किया कि आपने जितनी भी साइकिल रेसेस की हैं, उन तमाम साइकिल रेसेस में सबसे बेस्ट वाली आपके लिए कौन सी थी। तो जेवेरिया का जवाब सुन लेते हैं। आई वॉन द वेमेन्स सेक्शन ऑफ SOWS साइकिलिंग चैंपियनशिप्स इन पाकिस्तान। मैंने 100 साइकिलिंग चैंपियनशिप्स जो पाकिस्तान में होती है उसका एक सेक्शन विन किया था, जीता था। सलमान कहते हैं दोबारा से अपने सवाल में, इज इट अ वेरी डिफिकल्ट रेस, क्या ये रेस बहुत मुश्किल है। इज इट अ डिफिकल्ट रेस, क्या ये रेस बहुत मुश्किल है। जवेरिया कहती है, यस यस इट इज 40 माइल्स लॉन्ग, जी हाँ ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये रेस 40 मील तवील रेस होती है, यानी 40 मील तक आपको साइकिल ही चलाते रहना है। इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होती है। ऑन द रोड, क्योंकि सड़क के ऊपर, अलोंग द कोस्ट, जो साहिल के साथ बनी होती है, यानी जब वो रेस लगाते हैं तो जिस सड़क पर वो रेस लगाते हैं वो सड़क साहिल समुंदर के बिल्कुल साथ है। तो कहते हैं उस सड़क पे जो साहिल समंदर के बिल्कुल साथ साथ है, जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, द विंड इज इन योर वे, इज इन योर फेस ऑल द वे, पूरे रास्ते तेज हवाएं आपके चेहरे पर लग रही होती हैं। जवेरिया, माय पेरेंट्स, सॉरी, इसके बाद जवेरिया की इस बात के बाद ईमान का सवाल था। ईमान ने पूछा, Why did you become a cyclist? आप साइकिलिस्ट ही क्यों बनी? आप कुछ और क्यों नहीं बनी? जवेरिया ने कहा, My parents gave me my first bicycle when I was very small. मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकिल लाके दी थी। यानी जब उम्र में जवेरिया बहुत छोटी हुआ करती थी तो इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक साइकिल खरीद के दी। उस साइकिल से ही जवेरिया को इंस्पिरेशन मिली साइकिलिंग करने की, और वहीं से फिर वो इंस्पिरेशन बढ़ती चली गई और फिर वो एक साइकिलिस्ट बन गई। आई ऑलवेज लव्ड साइकिलिंग, उन्होंने कह भी दिया कि मुझे साइकिलिंग करना हमेशा से बहुत पसंद था। आई ऑलवेज लव्ड साइकिलिंग, मुझे साइकिलिंग करना हमेशा से बहुत पसंद था।
आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉमन कन्वर्सेशन के अंदर भी, जैसे जवेरिया ने क्या कहा, जवेरिया ने कहा आई लव्ड साइकिलिंग, ठीक है। अगर किसी को पसंद था रीडिंग करना तो कहेगा आई लव्ड रीडिंग,